गुड मॉर्निंग, कैसे हो? चलो चलो, जुटो, लाइव क्लास देख रहे हैं, सब जुट रहा है, हट्टा कट्ठा मजबूत मोटा भाई, क्या हाल है रे? चलो ऐसे जुटो। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में तुम्हारा ये 11 का चैप्टर नंबर 60 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का एक पार्ट हम पढ़ा चुके हैं। उसमें डाइजेशन क्या होता है वो हमने बता दिया आपको, एलिमेंट्री केनाल के बारे में हम बता चुके हैं। आज थोड़ा सा जानोगे आप डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में और प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन जानोगे। ठीक है, शुरू करें, देर नहीं करें, चलो चलो जल्दी जुटो। और आप लोग से बार बार बोलते हैं भैया, जितना ज़्यादा तुम सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, मित्रों के बीच में शेयर करोगे, जितना सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो मोटिवेशन आता है बेटा। तो मोटिवेशन से क्या होता है, पढ़ाने में मन लगता है, समझ रहे हो मेरी बात? जितना लाइक करोगे, कमेंट करो, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कोई अगर समस्या होता है। हाँ ऋतुराज बोलो क्या। हाँ बेटा, क्वेश्चन आंसर भी शुरू करेंगे हम, बस इसके बाद आप चिंता मत करो। एक ये चैप्टर है और एक और चैप्टर है, उसके बाद आपका रिवीजन और क्वेश्चन आंसर ही हम शुरू करेंगे। ठीक है, शुरू करें, इजाजत है? चलो ये देखो, हमने बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में तुम्हारा दो पार्ट होता है, एक एलिमेंट्री केनाल और उसी एलिमेंट्री केनाल में एसोसिएटेड क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। और शुरू में हमने बताया था कि डाइजेशन जो होता है वो दो प्रोसेस होता है, एक मैकेनिकल जो एलिमेंट्री केनाल काम करता है, वहाँ मैकेनिकल एनर्जी यूज होता है, चक्की के जैसे आटा चक्की पीसते हो, और दूसरा वो जो फूड का जो कन्वर्सन होता है, वो पॉलीमर्स कन्वर्टेड इंटू द मोनोमर्स, तो उसमें क्या होता है, एंजाइम इन्वॉल्व होता है, इसीलिए उसको कहा जाता है बायोकेमिकल एक्टिविटी। तो डाइजेशन जो हो गया तुम्हारा मैकेनिकल एज वेल एज बायोकेमिकल मेथड। ठीक है, तो आज अभी थोड़ा सा डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ोगे। मोर और लेस डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है तुम्हारा, चार तरह का डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। एक आपका ओरल कैविटी में होगा, उसको सेलिवरी ग्लैंड कहा जाता है। एक स्टोमिक में होता है, उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। एक आपका पेनक्रियाज हो गया, और चौथा जो होता है वो सक्कस इंट्रुकस या उसको इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी कहा जाता है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जहाँ पे फाइनल डाइजेशन होता है। और फाइनल डाइजेशन का मतलब क्या मतलब समझ रहे हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, दैट कन्वर्टेड इंटू इट्स मोनोमर में। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इंटू द ग्लूकोज, प्रोटीन कन्वर्टेड इंटू द अमाइनो एसिड, फैट कन्वर्टेड इंटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्योंकि आपका बॉडी सिर्फ ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को ही एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो देखो क्या क्या होता है। अब देख लो डाइजेस्टिव ग्लैंड में, देखो क्या करता है, इट इंक्लूड देख लो इट इंक्लूड द सलिवरी ग्लैंड, लिवर एंड द पेनक्रियास। और एक आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जिसको सक्कस इंट्रोकस कहा जाता है, जहां से फाइनल एंजाइम निकलता है, और वहीं पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, जो आपको फर्स्ट स्लाइड में हम बोल चुके हैं। जो लड़का फर्स्ट स्लाइड नहीं ज्वाइन किया था, प्लीज यूट्यूब पर वो वीडियो हमने लोड कर दिया हूं, उसको एक बार आप देख लो। अब देख लो क्या करता है, सलाइवा इज मेनली देख लो प्रोड्यूस बाय द थ्री पेयर ऑफ द सलिवरी ग्लैंड्स। आपका जो ओरल कैविटी है, इसमें थ्री पेयर ऑफ सलिवरी ग्लैंड होता है, और उसी सलिवरी ग्लैंड से जो जूस निकलता है, उस जूस को क्या बोलते हो, सलाइवा। अरे सलाइवा बोले तो लार। ठीक है, अब देख लो क्या करता है, तो एक होता है पेरिट्विट्स, चीक में पाया जाता है। दूसरा देखो सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर लोअर जो में एंड द सब लिंगुलर, ये बिलो द टंग होता है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है तुम्हारा सलिवरी ग्लैंड। और इस सलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है, तो उसमें मेनली तुम्हारा दो चीज होता है, एक तो एंजाइम होता है, उसको सलिवरी एमाइलेज भी कहा जाता है, या टाइलिन, टाइलिन पी साइलेंट होता है,
और वो एक्ट करता है स्टार्च को, स्टार्च को वो क्या करता है डाइसैकेराइड में तोड़ देता है, ठीक है। अब दूसरा होता है म्यूकस, वो वाटरी सब्सटेंस होता है, वो क्या करता है आपका फूड को जब वो स्लिपरी बनाता है ताकि वो इजी वे में ओरल कैविटी से कहां ओसोफेगस के थ्रू स्टोमिक में आ जाए, ठीक है। दूसरा देखो ये लीवर, देखो हालांकि लीवर से कोई एंजाइम नहीं निकलता है लेकिन आपके बॉडी में लीवर जो है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसको बाईपास ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। यहां पर मेन जो लीवर में जो डाइजेशन में जो हेल्प करता है तो यहां से बाइल जूस निकलता है और वो क्या करता है एसिडिक फूड को कन्वर्ट कर देता है अल्कलाइन मीडियम में, क्योंकि कुछ एंजाइम जो होता है वो एक्टिव होता है एसिडिक मीडियम में, कुछ एंजाइम एक्टिव होता है तुम्हारा अल्कलाइन मीडियम में, ठीक है। तो आगे देखोगे, अब देखो लीवर का वेट जो होता है मोर और लेस तुम्हारा 1.2 से 1.5 केजी, याद करने की चीज है, नीट में पूछ सकता है। और ये टू लोब होता है और जनरली इसका जो पोजीशन होता है आपके बॉडी में डायफ्राम से नीचे होता है, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज टू लोब्स, दो लोब्स होता है और दोनों लोब का वजन देख लो कितना है 1.2 to 1.5 kg। अब देखो क्या कहता है, ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाई ए थीन कनेक्टिव टिश्यू सीट कोल्ड द ग्लेशियन कैप्सूल उसको कहा जाता है। अब देखो ये जो कनेक्टिव टिश्यू जो सीट होता है इसको कभी कभी हेपेटिक सेल भी कहा जाता है, क्योंकि लीवर जो है ना वर्ड हेपेटिक से जुड़ा हुआ है। तब अब देखो क्या कहता है, द बाइल सिक्रीटेड बाय द हेपेटिक सेल्स एंड इज स्टोर्ड इन द थीन मस्कुलर सैक नोन एज गॉल ब्लैडर। ये जो लोव्यूल में क्या होता है वो कनेक्टिव टिश्यू जो जिसको हमने हेपेटिक सेल बोला, उसी हेपेटिक सेल से क्या होता है वो ग्लैनुलर होता है, तो क्या बनाएगा सिक्रीशन करता है बाइल जूस बनाता है, और वो बाइल जूस क्या होता है उसी लीवर में सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर वो स्टोर होता है, उसी को क्या बोलते हो गॉल ब्लडर कहा जाता है। अब देखो क्या कहता है, द बाइल डक्ट एंड द पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन टूगेदर इन टू द ड्यूडोनम एज द कॉमन डक्ट विच इज गार्डेड बाई ए स्पिनिक्टर कॉल्ड द स्पिनिक्टर ऑफ द ओडी। ये याद करना, देखो स्पिनिक्टर ऑफ ओडी क्या होता है तुम्हारा, वो लीवर से जो डक्ट आवेगा और फिर यहीं पर पेनक्रियाज होता है और ये पेनक्रिया ये आगे जाके दोनों एक साथ मिल जाता है कॉमन डक्ट, और ये ओपन कहाँ होगा ड्यूडेनम में, जहाँ पे बाइल जूस भी आता है और पेनक्रियास से जो पेनक्रियाटिक जूस निकलेगा वो ड्यूडेनम में आता है। तो पेनक्रियास से जो जूस निकलेगा उसको पेनक्रियाटिक जूस, और उसमें मेनली क्या होता है तुम्हारा एंजाइम होता है, और इसमें क्या होता है बाइल साल्ट होता है जो एसिडिक फूड को अल्कलाइन फूड में कन्वर्ट करता है, ओके। और जहाँ पे ओपन होता है वहाँ पे स्पिनिक्टर होता है रोकने के लिए, तो उसी को क्या बोलते हो स्पिनिक्टर ऑफ द ओडी, ये याद रखना है बेटा। अब देखो कहता है द पेनक्रियाज इज ए कंपाउंड, अब देखो यहाँ पर क्या होता है आपके पूरे बॉडी में एक पेनक्रियाज ही ऐसा ग्लैंड है, वो दोनों है एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन भी है। इंडोक्राइन का मतलब होता है वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एक्सोक्राइन का मतलब हो वो एग्जाम्पल इंजाइम प्रोड्यूस करता है, और इंजाइम क्या होता है कैटलिस्ट का काम करता है, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करेगा या तो स्पीड अप कर देगा या तो रिटार्ड कर देता है। और हार्मोन का फंक्शन अलग होता है जो ऑलरेडी आप पढ़ोगे जब इंडोक्राइन ग्लैंड हम पढ़ाएंगे जो लास्ट चैप्टर आपका है 12 का। अब देखो क्या कहता है, बोथ एक्सोक्राइन एंड द इंडोक्राइन, कहता है इलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ द सी शेप्ड ड्यूडेनम, क्या होता है ये जो स्टोमिक हो गया देख लो यहां, अब यहां से देखो ये इस तरीके से ऐसे बनता है, तब यहां से ये देखो तो स्टोमिक जहां पर ओपन हो वहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पोर्शन होता है उसको ड्यूडेनम, तो ये सी सेप्ट होता है, इसी सी सेप्ट में ये पेनक्रियाज होता है, तो ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, इधर से बाइल डक्ट आवेगा और ये कॉमन हो जाता है। समझ में आई मेरी बात, क्या बोले बोलो, किसी को कोई दिक्कत क्या, ऋतुराज क्या करोगे स्क्रीन शॉट ले लो, ले लो। हो गया,
अब देखो आ जाओ डाइजेशन ऑफ फूड में आ जाओ। अब यहां से शुरू हम करेंगे प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन। वहां पे कुछ ग्लैंड का हम चर्चा नहीं किए हैं, जैसे पेनक्रियाज का कर दिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड नहीं बताए, इसमें चर्चा होगी। और सक्कस इंट्रोकस जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, उसी सक्कस इंट्रोकस को इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है बेटा जी? बोलो, सबको मैं देख रहा हूं, लाइव बटन मैं दबा दिया हूं। निधि क्या कर रही है तुम? जब भी मैं पढ़ाऊं कलम और कागज रखिए बेटा, और कोशिश करना बगल में एनसीईआरटी भी रखना। एक तरीके से ये एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी से हमने क्या किया है, फिल्ट्रेट करके यहां लाया हूं। तो थोड़ा सा शुरू करो, देखो डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ से शुरू होता है, तो डाइजेशन ऑफ फूड तुम्हारा यहाँ ओरल कैविटी से ही शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट जो डाइजेशन होता है इन बकल कैविटी। देख लो, हमने आपको बताया था कि बकल कैविटी में क्या होता है, सिलिवरी ग्लैंड होता है। सिलिवरी ग्लैंड से क्या होता है, सिलिवरी सलाइवा जो निकलता है उसमें दो चीज होता है, एक एंजाइम होता है जिसको सिलिवरी एमाइलेज भी कह सकते हो या टाइलिन, और दूसरा होता है म्यूकस, वो वाटरी सब्सटेंस होता है, वो फूड को क्या करता है, स्लिपरी बनाता है ताकि आपका फूड इजी वे में पास हो सके। तो देखो क्या करता है, देखो बकल कैविटी, देखो यहां पर क्या करता है, टू फंक्शन। एक होता है मेस्टिकेशन ऑफ द फूड, मेस्टिकेशन कौन करेगा, टंग और टीथ, और उसी के साथ सलाइवा का भी मिक्सअप होता है। देख लो, फैसिलेशन ऑफ द स्वेलिंग, म्यूकस इन सलाइवा हेल्प इन लुब्रिकेटिंग एंड एडरिंग द मिस्टिकेटेड फूड पार्टिकल इन टू द बोलस। और वो मिस्टिकेशन जब मिक्सिंग हो जाता है सलाइवा के साथ, तब जो फूड होता है उसी को क्या बोलते हो, बोलस, ये याद रखना है। अब देखो क्या करता है, द बोलस पास इन टू द फेरिंग्स एंड देन इन टू द ओसोफेगस बाय स्वेलिंग और डेगुलेशन। देख लो, ऐसे स्वीप करते हो ना, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हो, डेगुलेशन भी कहा जाता है। तो हमने फर्स्ट अथि में ही बताया था कि ओसोफेगस जो होता है वो क्या होता है, फेरिंग्स का इलोंगेटेड ट्यूब हो जाता है। तो सिंपली उसका काम होता है टू कंडक्ट द फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू द स्टोमिक, क्योंकि बकल कैविटी के बाद डाइजेशन जो होगा तुम्हारा कहाँ होगा, स्टोमिक में होगा। ओसोफेगस में कोई एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए कह सकते हो ओसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है। अब देखो क्या कहता है, द बोलस फर्दर पासिस डाउन इन टू द स्टोमिक कॉल्ड प्रिस्टिलोसिस। देखो ये यहाँ पर प्रोसेस होता है, ओसोफेगस का जो वाल होता है तुम्हारा वो इस तरीके से करता है ताकि फूड धीरे 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 नीचे आता है, तो उसी को क्या बोलते हो, प्रिस्टिलेसिस। अब देखो क्या कहता है, द सलाइवा सिक्रीटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेन, देखो सलाइवा में क्या क्या होता है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना। देखो इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, सोडियम आयन होगा, यहाँ पर आयन हम छोड़ दिए हैं, क्या होगा प्लस, पोटासियम आयन क्लोरिन पर माइनस, यहाँ भी माइनस होगा। देखो सोडियम पोटासियम क्लोरिन एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये याद करना, एंड एंजाइम्स होता है। और एंजाइम का नाम क्या बोले थे, सिलिवरी एमाइलेज बोलो या टाइलिन बोलो, और उसके देखो उसी को क्या बोलते हो, सिलिवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। देखो ये लाइसोजाइम क्या होता है, उस फूड में जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया को क्या करता है, किल कर देता है, ठीक है। मेन जो एंजाइम होता है वो सिलिवरी एमाइलेज क्या करता है, ध्यान से देखो, इस स्टार्च को, ये क्या है स्टार्च तुम्हारा, पॉलीसेकेराइड है ग्लूकोज का, ये सिलिवरी एमाइलाइज क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। माल्टोज क्या होता है, डाइसेकेराइड, यानी दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एक साथ जुटा हुआ है, ठीक है। और यहां पर पीएच जो होता है मोर और लेस 6.8, याद करना। ये सिलिवरी एमाइलेज जो एक्ट करता है स्टार्च पे, तो उस समय पीएच क्या होना चाहिए, 6.8। और ये लाइसोजाइम का एक्ट एन एंटी बैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन, उस फूड में जो बैक्टीरिया होता है उसको ये किल कर देता है। अब इसके बाद देखो, ओरल कैविटी में हो गया डाइजेशन, ओसोफेगस में नहीं होगा, अब इसके बाद कहाँ होगा, इन स्टोमिक। अब देख लो, अब स्टोमिक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। देखो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है, थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स का बना होता है। पहला देखो, म्यूकस नेक सेल्स व्हिच सीक्रेट म्यूकस, यहाँ भी म्यूकस का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वहां के म्यूकस, सलाइवा में जो म्यूकस है अभी इस म्यूकस में फर्क है। ये म्यूकस क्या करता है,
पढ़ोगे एसिड का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये म्यूकस क्या करता है, उस एसिड से आपके स्टोमिक वाल को सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है। समझ में आया? ले लो जल्दी लो इसको, हम भुला जाते हैं बेटा आप लोगों का। ले लिया? आप लोग कमेंट नहीं करता है बेटा, कमेंट करो ना। हाँ, जब पढ़ते हो कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि नहीं बन रहा है, अरे चिंता नहीं करो, एसर्शन और रीजनिंग तो मैं मिनटों में आपको सिखाऊंगा, उसके लिए नहीं चिंता करो। कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो नहीं समझ, तो आप तुरंत उसको टाइप करके कमेंट में भेजो ना, हम तुरंत जवाब देंगे, ठीक है। देखो दूसरा क्या होता है, पेप्टिक या उसको चीप सेल्स, ये याद करना है बेटा, नीट में क्वेश्चन बनता है। देखो पहला था म्यूकस सेल, म्यूकस का फॉर्मेशन करता है। दूसरा सेल क्या होता है, पेप्टिक सेल। ये हम किसका बता रहे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड का। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 types ऑफ सेल्स होता है, समझ में आ रहा है। दूसरा तीसरा देखो, पेराइटल या ऑक्सीजेनेटिक सेल उसको कहा जाता है। क्या बोलोगे, देखो हम यहां पर अंडरलाइन कर देते हैं, ऑक्सीजेनेटिक सेल व्हिच सीक्रेट एससीएल एंड इंट्रेंसिक फैक्टर, फैक्टर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। ये देखो एक इंट्रेंसिक फैक्टर वहां से सीक्रेट होता है जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, द स्टोमिक स्टोर द फूड फॉर 4 to 5 hours एंड फूड कॉल्ड काइम, इसको कहा जाता है। अब यहां पर क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, जैसे देख लो हमने क्या बोला, पेप्टिक या चीप सेल से क्या सीक्रेट होगा, प्रो इंजाइम होता है। प्रो इंजाइम का मतलब हुआ इनएक्टिव स्टेज, तो उसको कहा जाता है पेप्सिनोजी, ये इनएक्टिव होता है। और इसको एक्टिव कौन करता है, एससीएल करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और आपको जान के बड़ी आश्चर्य होगा, वो एससीएल इतना कंसंट्रेटेड होता है कि उसका पीएच जो होता है मोर और लेस तुम्हारा 1.8। सोचो कितना कंसंट्रेटेड है। तो अगर इस कंसंट्रेटेड एससीएल होगा तो आपके स्टोमिक वाल को तो बर्न कर देगा। वही म्यूकस क्या करता है, आपके उस वाल को इस एसिड से प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि अगर इतना पीएच नहीं होगा एससीएल का, तो ये पेप्सिनोजिन जो है कन्वर्ट इनएक्टिव स्टेज कन्वर्ट नहीं होगा एक्टिव स्टेज। और ये देखो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में एक्टिव इंजाइम क्या बनाता है, पेप्सिन। और ये पेप्सिन तुम्हारा एक्ट करता है प्रोटीन पे, और ये प्रोटीन को क्या करता है, तोड़ देता है तुम्हारा 2 amino acids के फॉर्म में, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू द प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स इसको कहते हो। देखो द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस लुब्रिकेट एंड प्रोटेक्ट द म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सोकोरेशन बाय द कॉन्क एससीएल। देखो पीएच कितना होता है, 1.8। समझ में आया मेरी बात क्या बोल रहे हैं। अब देखो उसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक और एंजाइम निकलता है जिसको बोला जाता है रेनिन। तो एक्चुअली ये रेनिन जो होता है कहाँ पाया जाता है, इन्फेंट में, बच्चा के केस में। और ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाएगा तो रेनिन का फॉर्मेशन कम हो जाता है। इसीलिए देखोगे जो ज़्यादा बुजुर्ग होता है, ओल्ड पर्सन, तो प्योर दूध उसको नहीं पचता है, क्योंकि उस दूध में जो मिल्क प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसका फॉर्मेशन नहीं होता है। तो देखो इन्फेंट व्हिच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, उसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस आर ऑल्सो सिक्रीटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। हालांकि यहाँ पर लाइपेज का कोई रोल नहीं है, क्योंकि लाइपेज किस पे एक्ट करता है, फैट पे। और फैट का जो डाइजेशन होता है वो अल्कलाइन मीडियम है, और स्टोमिक में क्या होता है, उस एससीएल के चलते मीडियम क्या होता है, एसिडिक। तो यहाँ पर एससीएल का 2 roles है, एक क्या करता है, टू एक्टिवेट द पेप्सिनोजिन इनटू द पेप्सिन, और दूसरा एससीएल क्या करता है, टू किल द जर्म प्रेजेंट इन द फूड। देखो कितना बॉडी चूजी है, एक तो आप जब खाना खाते हो तो आँख फाड़ फाड़ के खाते हो,
उसके बावजूद भी आपके बॉडी पर विश्वास नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस फूड के साथ, तो एक तो देखो सलाइवा में लाइसोजाइम था, आ फिर यहाँ भी देखो एससीएल, उसमें जो जर्म होता है उसको किल कर देता है। अब देखो आ जाओ स्मॉल इंटेस्टाइन में, देखो क्या कहता है, द पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम्स। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आओगे तो हमने बताया था आपको कि ड्यूडेनम जो सी सेप्ट होता है उसी में पेनक्रियाज होता है, तो पेनक्रियाज से जो एंजाइम निकलता है एक्सोक्राइन ग्लैंड उसको बोला जाता है, तो उसको पेनक्रियाटिक जूस बोला जाता है, और उसमें जो भी एंजाइम होता है वो प्रो होता है, इनएक्टिव होता है, तो उसको भी एक्टिवेट करना होगा। यहाँ पे क्या होता है, जो भी एंजाइम होता है वो एक्टिवेट होता है तुम्हारा अल्कलाइन मीडियम। अब यहाँ पे रोल आता है लीवर का, वो जो बाइल जूस आता है वो क्या करता है, वो एसिडिक फूड को कन्वर्ट कर देता है अल्कलाइन मीडियम में, ताकि ये पेनक्रियाटिक एंजाइम या उसके बाद का जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाए। तो देखो क्या क्या होता है, ट्रिप्सिनोजिन, यही ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, एमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड निकुलिएजेस, देख लो। अब देखो क्या कहता है, ट्रिप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम दैट इज नोन एज इंट्रोकाइनेज, ये याद करना है। और जब वो ट्रिप्सिनोजिन एक्टिवेट हो जाता है तो अदर एंजाइम जो होता है आगे फिर आके वो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम हो चुका है, इंटू एक्टिव ट्रिप्सिनोजिन, देखो व्हिच इन टर्न एक्टिवेट द अदर एंजाइम्स। समझ में आया मेरी बात, क्या बोले, आगे बोलो, आगे बढ़े, जल्दी लो, जल्दी लो बेटा इसको। अब देखो यहां पर क्या कहता है, द बाइल कंटेन्स बाइल पिगमेंट। अब देखो ये बाइल में क्या क्या होता है, कंटेन बाइल पिगमेंट, देखो बाइलीरिबून एंड बाइलीवेरिडिन, देख लो आपका जो पोटी जो फीकल मैटर जो बाहर निकालते हो एलोइस कलर होता है, ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बाइलीरिबून। ये एक्चुअली क्या है, आरबीसी का डेड मटेरियल है, आरबीसी कहाँ देते हो, ग्रेवयार्ड क्या होता है, स्प्लीन, और वही कन्वर्ट। और ये बाइलीवेरिडिन जो हो गया हमको नहीं कन्वर्ट, देखो ये आपका यूरिन का है, यूरिन जो कलर होता है येलो इसी के चलते, और ये बाइली वेरिडिन जो है वो आपका पोटी जो येल्लो होता है उसी के चलते होता है। तो देखो एंड बाइल साल कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड्स बट नो एंजाइम्स, बाइल हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये बाइल क्या करता है, क्योंकि वो जो साल्ट जो होता है वो एसिडिक फूड को कन्वर्ट कर देता है अल्कलाइन मीडियम में, और ये अल्कलाइन मीडियम क्या करता है, वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम जो प्रोएक्टिव स्टेज में होता है उसको क्या कर देता है, एक्टिव स्टेज कर देता है। एक काम और करता है बाइल जूस, फैट का इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि फैट का मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा बड़ा होता है, तो उसको क्या करता है, स्मॉल ग्लोब्यूल में तोड़ देता है, ताकि फर्दर डाइजेशन फैट का सही हो जाए, इसी प्रोसेस को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन, ठीक है। अब देखो क्या करता है, बाइल ऑल्सो एक्टिवेट द लाइपेजेस, ये याद करने की चीज है। अब उसके बाद देखो क्या कहता है, द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स कॉल्ड सक्कस इंट्रोकोस। हमने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एक ग्लैंड होता है दैट इज नोन एज सक्कस इंट्रोकस, या उसी को क्या बोलते हो, इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहा जाता है। तो ये किससे बनता है, देखो म्यूकोसल एपिथेलियम, और उसी को क्या कहते हो, गॉबलेट सेल, यही गॉबलेट सेल से फाइनल एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, व्हिच प्रोड्यूस देखो फाइनल एंजाइम। अब देखो यहाँ पर जैसे ड्यूडेनम में जो डाइजेशन होता है, देखो क्या होता है, प्रोटीन पेप्टोन्स प्रोटियोजेस। अब ये ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन या कार्बोक्सी देखो पेप्टिडेज क्या करता है, उस प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है डाई पेप्टिडेज में। फिर उसी तरीके से देखो पॉलीसेक्राइड जो स्टार्च होता है, जो डाइसेक्राइड जो और जो है नहीं है, तो वो पेनक्रियाटिक, इसको क्या बोलोगे, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, सलाइवा से निकला था उसको सलाइवरी एमाइलेज, ये देखो क्या कर दिया, डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर लाइपेज देखो क्या करता है, ये फैट को डाइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करता है, फिर वो डाइसेक्राइड क्या होता है, मोनो
ग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ध्यान से देखना, हमने बताया था ना ये सब मोनोमर है, ये आपका बॉडी नहीं एब्जॉर्ब करेगा, ये कर लेगा मोनोसैकेराइड। फिर जो न्यूक्लिक एसिड होता है, अब मान लो आप कोई आदमी डीएनए खाता है तो डीएनए थोड़ी आपका बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो आप देख लो उस न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियेज, ये एंजाइम होता है क्या करता है, पहले कन्वर्ट करता है न्यूक्लियोटाइड्स में, अब फिर न्यूक्लियोटाइड्स को कन्वर्ट कर दिया न्यूक्लियोसाइड में। ध्यान से देखना, इस न्यूक्लियोटाइड में तीनों हैं, शुगर भी है, फॉस्फेट भी है और नाइट्रोजन बेस भी है। इसमें क्या है, सिर्फ शुगर और नाइट्रोजन बेस है। अब इसके बाद देखो क्या होता, अब ये तो ड्यूडेनम में था, अब इसके बाद जो डाइजेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है वो फाइनल, ये एनसीईआरटी में बेटा दिए हुआ है। अब देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पर फाइनल डाइजेशन होता है, बार बार बोल रहे हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां पे जो एंजाइम का जो फॉर्मेशन हो तो कहां से होता है, सक्कस इंट्रोकस जिसको इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी कहा जाता है, और वो गॉबलेट सेल्स, वो म्यूकेसल इपिथेलियम से बनता है गॉबलेट सेल, और वही एंजाइम बनाता है। देख लो अब यहां पर फाइनल एंजाइम देखो, अब डाइपेप्टिडेज को देख लो और उसका जो एंजाइम होता है डाइपेप्टिडेज, देखो क्या होता है, सबस्ट्रेट जो होता है तो लास्ट में ओएससी लगता है, और उसका जो एंजाइम होता है तो लास्ट में एएससी लगा दो। तो देखो डाइपेप्टिडेज क्या कर दिया, एमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया, एमाइनो एसिड क्या हो गया, प्रोटीन का मोनोमर, क्या करेगा अब अमीनो एसिड को आपका बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा, ब्लड में चला जाएगा। देख लो उसी तरीके से देखो माल्टोज जो डाइसैकेराइड होता है, माल्टेज कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, बॉडी एब्जॉर्ब कर लिया। लैक्टोज देख लो ये भी डाइसैकेराइड होता है, लैक्टेज एंजाइम हो गया, कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। फिर देखो सुक्रोज तो सुक्रेज, फिर देखो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर दिया। उसी तरीके से देखो न्यूक्लियोटाइड्स जो है तो न्यूक्लियोटाइडेज तो क्या किया, न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट किया, फिर न्यूक्लियोसाइड को यही एंजाइम कन्वर्ट कर दिया शुगर एंड बेस में। उसी तरीके से देखो डाई और मोनोग्लिसराइड जो होता है तो लाइपेज क्या करता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो सिंपल जो होगा मोनोमर, चाहे अमाइनो एसिड हुआ, ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड हो गया, तो यही कहता है द सिंपल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब इन द जेजनम एंड इलियम रीजन्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर पास्ड ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट क्या होता है, सीकम, और जैसे ये अनडाइजेस्टेड फूड जाता है तो फीकल मैटर तो हो ही गया, तो वो उसमें क्या होता है, भाल होता है जो उसको अब बैक नहीं होने देगा। और बताए हैं कि सीकम का चार पार्ट्स होता है, और सीकम से कहाँ, कोलन, कोलन से रेक्टम, रेक्टम में स्टोर हो गया, फिर रेक्टम के थ्रू क्या होगा, एनस के थ्रू आपका बाहर निकल जाता है। क्लियर है, ये इतना डाइजेशन के बारे में पढ़ना था बेटा। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है, बोलो जल्दी, बोलो बोलो जल्दी, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, क्या करें बेटा, बाइंड करें, माइंड अप करें, कौन है, कृति बोलो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है ना। हाँ ये जो एंजाइम सब का जो नाम देखे हो तो ये एनसीईआरटी से हम अच्छी किए हैं, एनसीईआरटी में दिए हुआ है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो इलियम जो पोर्शन देखते हो, ये जेजनम और इलियम, यहीं पर क्या होता है, माइक्रोविलाई होता है, और उसी माइक्रोविलाई में क्या होता है, तुम्हारा लैक्टल यानी वो लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक वेसल्स और ब्लड वेसल्स होता है। तो फैट जो है तुम्हारा डायरेक्ट एब्जॉर्ब होकर ब्लड में नहीं जाता, पहले वो लिम्फेटिक सिस्टम में आवेगा और तब लिम्फेटिक सिस्टम के बाद वो कहाँ जाता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है। अब एब्जॉर्ब कितना होगा तो कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा ना, अब ब्लड में ऑलरेडी पहले से ज़्यादा है तो फ्लो कम हो जाएगा ना। तो बताएंगे क्या होता है, यहाँ पर प्रोसेस डिफ्यूजन होता है, इसमें दोनों होता है, एक्टिव और पैसिव भी होता है, फैसिलेटेड भी होता है, जिसे ग्लूकोज एमाइनो एसिड फैसिलेट प्रोटीन कैरियर का काम करता है, तो उसको फैसिलेटेड डिफ्यूजन कहा जाता है, सिंपल डिफ्यूजन भी होता है बेटा। ठीक है, बाय।